कोरोना के इस कठिन समय में हमें सिर्फ अपना बचाव ही करना है जैसे मास्क लगाना है बार बार सैनिटाइज़ करना है हाथों को तो इसके लिए हमें बाज़ार से सैनिटाइज़र बहुत लाना पड़ता है जो कि बहुत महंगा पड़ता है तो क्यों ना बिल्कुल बाज़ार जैसा ओरिजिनल सैनिटाइजर हम घर पर बनाएं बड़ा ही आसान है दोस्तों बस इसको समझने की बात है कि सैनिटाइजर होता क्या है बाज़ार में आखिर सैनिटाइज़र में क्या मिला होता है तो आज की वीडियो में आपको सभी बातें पता चल जाएंगी और घर पर आप थोड़े से ही पैसों में लगभग 10 से 20 रुपए में ही ढेर सारा सैनिटाइजर बना करके तैयार कर पाएंगे वीडियो बहुत हेल्पफुल है प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तो चलिए देरी किस बात की शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले तो इतना जान लीजिए कि जितने भी मार्केट में सैनिटाइजर आते हैं उनमें सेवेंटी परसेंट एल्कोहल मिल करके आता है तो सैनिटाइजर बनाने के लिए हमें भी जरूरत होगी एल्कोहल की अब आप कहेंगे एल्कोहल कहाँ मिलेगा तो एल्कोहल आपको बड़े ही आसानी से मेडिकल स्टोर या केमिकल स्टोर पर मिल जाएगा हालांकि मुझे ये जो अल्कोहल है खुले में ही मिल पाया है तो इसकी पैकिंग भी आती है तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आपको ये अल्कोहल नहीं मिल रहा है लोकल मार्केट में तो मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप वहां से इसको खरीद सकते हैं इस एल्कोहल को आइसोप्रोपिल एल्कोहल या रबिंग एल्कोहल भी कहा जाता है कुछ लोग बोटका का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बोटका में 99 नाइन परसेंट एल्कोहल नहीं होता है इसमें 99 नाइन परसेंट एल्कोहल होता है यानी कि प्योर एल्कोहल होता है तो हमें रबिंग एल्कोहल का इस्तेमाल ही करना है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक कप रबिंग एल्कोहल अगर चाय वाले कप से मैं बात करूं तो दो कप मैंने यहां पर रबिंग अल्कोहल लिया है आप जितनी ही क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना अल्कोहल ले सकते हैं अब आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल प्योर एल्कोहल से इसको बना रही हूँ अब हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल ये डालना थोड़ा जरूरी है क्यों समझिए इस बात को क्योंकि एल्कोहल जो होता है जब आप बार बार उसका यूज़ हाथों में करेंगे तो आपकी स्किन को ड्राई कर देगा तो एलोवेरा जेल डालने से क्या होगा कि मॉइस्चराइज बना रहेगा तो आपके हाथ नरम पन, बने रहेंगे तो जरूरी नहीं है आप मार्केट का ही एलोवेरा जेल लें आपके घर पर प्लांट लगा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं वो भी बहुत बढ़िया होता है तो यहाँ पर दो कप के हिसाब से मैं दो चम्मच एलोवेरा जेल डाल देती हूँ तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस थोड़ा कम ना रहे क्योंकि हाथों की स्किन जो है ड्राई हो जाएगी इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा आप ज्यादा ही डाल सकते हैं तो दो चम्मच मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल डाल रही हूँ आप एलोवेरा जेल की जगह ग्लिसरीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सेम वही वर्क ग्लिसरीन भी करती है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच रोज एसेंस ये बिल्कुल ऑप्शनल है थोड़ा खुशबू के लिए है आप इसकी जगह किसी भी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेवेंडा ऑयल हो टी ट्री ऑयल लौंग ऑयल कोई भी एसेंशियल ऑयल इसमें डाल सकते हैं ताकि अच्छी खुशबू बनी रहे मार्केट जैसी खुशबू आती रहे तो मैं इसमें रोज एसेंस डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी भीनी भीनी सी इसमें खुशबू आए तो एक चम्मच मैंने इसमें रोज़ एसेंस डाल दिया है अब हम इसको किसी विस्कर से या स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एलोवेरा जेल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए अगर आप घर के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सैनिटाइजर है थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना जेल इस वजह से तो लीजिए हमारा सैनिटाइजर बन करके बिल्कुल तैयार है वर्क वही करेगा जो मार्केट वाले सैनिटाइजर कर रहे हैं तो मार्केट में शॉर्ट हुआ तो क्या हुआ आप घर पर ही बहुत आसानी से सैनिटाइजर बना सकते हैं बिल्कुल सेम वही वर्क करेगा तो चलिए इसको हम आ, किसी बॉटल में भर लेते हैं तो इस सैनिटाइजर को आप स्टोर करके काफी लंबे समय तक साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए आप किसी भी तरह के बोतल में स्टोर कर सकते हैं कांच की बोतल में स्टोर कर लीजिए या इस तरह से आपके पास डिटोल हैंड वॉश की बोतल डली हो या कोई स्प्रे बोतल हो ऑयल की बोतल हो बस उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा तो चलिए हम सैनिटाइजर को गिलास की मदद से या किसी आप फनल की मदद से इसको में भर लीजिए तो तैयार है हमारा बिल्कुल बढ़िया मार्केट जैसा होममेड बहुत ही सस्ते में और झटपट से बनकर के तैयार तो लीजिए मैंने बॉटल में भर लिया है और कुछ बचा है तो मैं इस तरह से इसको अलग बॉटल में भर करके रख देती हूँ बस थोड़ा सा सैनिटाइजर लीजिए और इसको बढ़िया हाथों में अच्छे से लगा लीजिए लीजिए तैयार है हमारा होम मेड सैनिटाइजर और स्किन भी बिल्कुल आपकी सॉफ्ट रहेगी ड्राई नहीं होगी तो आप इसको कहीं पर ले जा सकते हैं बैग में डाल सकते हैं बच्चों को स्कूल के लिए या कहीं पर भी जाना हो आप दे सकते हैं छोटी सी बॉटल में भर करके दे दीजिए तो बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर